आज के दिन ही देश का बंटवारा हुआ था, आप जानते हैं। भारत में इसे विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि आज का दिन उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक याद करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। तो दुनिया में ऐसी त्रासदी, ऐसी विभीषिका कहीं और नहीं देखी गई थी जिस तरीके से 1947 में बंटवारे के तौर पर हिंदुस्तान में देखी गई थी, और जो विस्थापित थे लाखों की उनकी संख्या दोनों ही तरफ जिन्होंने मूव किया था। हम सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, ये बंटवारे के वक्त आजादी की जो कीमत चुकानी पड़ी थी उस दर्द को याद करना भी बहुत जरूरी, और यही काम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं ताकि हम वैल्यू कर सकें, अहमियत समझ सकें इस आजादी की। बिल्कुल, आज़ादी मिली है तो उसके लिए बहुत कुर्बानियां दी गई हैं, और कुर्बानी इस कदर तक हमने दी है कि जो हमारा देश था उसके दो हिस्से हो गए हैं। आज की तारीख में एक पाकिस्तान है और एक हिंदुस्तान है, और ये बात जो है बाकायदा सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, दो साल पहले प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से ये जो विभाग जो आज का दिन है ये इतना महत्वपूर्ण है, और वो इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने अपने हजारों लाखों लोगों को खोया है, चाहे फिर वो लोग भारत से पाकिस्तान गए हो, पाकिस्तान से भारत आए हो। जिस तरीके से ये विभाजन की विभीषिका रही है, जो इसी को स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान से लोग आए थे वो अपना घर बार छोड़कर के आए थे, भारत से जो लोग गए थे वो अपना घर बार छोड़कर के गए थे, और उसके लिए जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार थे कुछ राजनेता जिन्होंने अपने राजनीतिक रसूखों का इस्तेमाल करके अपनी जो है राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि उन राजनेताओं ने देश के दो टुकड़े होने दिए, और इसी वजह से जो उसका खामियाजा उठाना पड़ा, देश के उन लाखों लोगों को उठाना पड़ा जिनको अपना घर बार छोड़ करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, वही मुल्क जो कि हमारे देश का हिस्सा था उसी का जो है एक हिस्सा जो दूसरे मुल्क बन गया उसमें जाना पड़ा, या वहां से लोगों को यहां आना पड़ा। और आज भी जो लोग उस दौरान मौजूद थे वो जब आप उनसे बात करते ना तो उनके जहन की जो यादें हैं वो निश्चित तौर पर आपको डरा देती हैं। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, ट्रेन जो है जलती हुई आई थी, उसमें लाशों के ढेर थे, वहां पर से लोग जो सामान लेकर के आ रहे थे उनके साथ में किस तरीके के अत्याचार हुए थे, तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसके लिए लगातार आरोप ये लगता है कि कुछ गिने चुने हुए राजनेताओं ने अपना राजनीतिक हित साधने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश के दो टुकड़े कर दिए। और इसी वजह से प्रधानमंत्री लगातार ये कहते रहे हैं कि ये जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है ये उन लोगों को एक तरीके से श्रद्धांजलि है, उन लोगों को याद करके जो हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिनके चलते हमको जो है आजादी तो मिली है लेकिन जिन्होंने अपना जो है सब कुछ खोया है इस विभाजन के चलते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।